हेलो गाइस, डिजाइन चैटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं यहां पर 100% श्योर हूं कि कुछ ना कुछ अगर यहां पर आप जानते भी हो इंस्टॉल करना तो भी कुछ नया सीख कर जाओगे। सो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को बोलो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यस, यहां पर काफी लोगों ने कमेंट किया कि मुझे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने में और ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आती है। सो इस वीडियो के बाद आपका प्रॉब्लम दूर हो जाने वाला है। सबसे पहले हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। सो सबसे पहले यहां पर आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट हर स्केचअप में आपको ये ऑप्शन एक्सटेंशन वेयरहाउस का मिल जाता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास एक्सटेंशन वेयरहाउस ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन कनेक्टेड होता है गाइस, जिसमें आपको डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से यहां पर इसको ओपन कर सकते हैं। एंड जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हो, जैसे कि हमें यहाँ पर टारगेट बेसिस पर रहना होगा कि आपको कौन सा प्लगइन चाहिए। वैसे तो यहाँ पर क्राइटेरिया मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट बेसिस पर रहें। सो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं एक जैसे टूल सर्च कर रहा हूँ, सोलर नॉर्थ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आप सोलर नॉर्थ टूल को यूज कर सकते हैं। सो यस, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। इसकी कंपैटिबिलिटी यहाँ पर आप जरूर चेक कर ले कि आपके स्केचअप वर्जन के अंदर सपोर्ट करता है कि नहीं। यहां पर सारी डिटेल्स गिवन है। करने के बाद जस्ट नीचे जाएंगे और यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको साइन अप जरूर होना चाहिए ट्रिम्बल के अकाउंट में। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपके पास यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा, आप साइन अप कर लेना। सो इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी खाली स्पेस में राइट क्लिक करेंगे, उस एक्सटेंशन को यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यही टूल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा कि कैसे हमने एक्सटेंशन वेयर हाउस से यहाँ पर डाउनलोड किया, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम एडवांस जाते हैं। तो आपको करना होगा एक्सटेंशन स्टोर को डाउनलोड। यहाँ पर एक ये दूसरा तरीका है, लेकिन इस तरीके को अपनाने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। चलिए आइए उसको भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ मैं क्रोम पर। सो क्रोम पर जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है स्केचअप यूकेशन। So, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं गाइस, बिल्कुल 100% फ्री अकाउंट यहां पर आपका बन जाता है। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आ रहा है आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ आपको ऐसा यहां पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना होगा इसको रजिस्टर। सो आप क्लिक करेंगे सिंपली रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा पेज आपके पास ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन अप हियर एंड यहाँ पर आपके पास फ्री अकाउंट आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो जहां पर आप फ्री अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि बेसिक $0। यस, यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक से डिटेल से जो कि आपको फिलअप कर लेना है। कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम करके दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से डिटेल्स को क्या फिलअप किया है, आप सेम ऐसे ही डिटेल्स को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद आप अपने रजिस्टर ईमेल आईडी पर जाइएगा, वहां पर आपको एक मेल आएगा, ईमेल को वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। करवाने के बाद आप आ जाएंगे बिल्कुल मेन अपने स्केचअप एजुकेशन के बिल्कुल होम पेज पर। सो होम पेज पर आने के बाद यहां पर आपका यूजर नेम शो होने लगेगा। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपको यहां पर एक्सटेंशन स्टोर को करना होगा डाउनलोड। सो यहां पर या तो इस नेमिंग को आप जो है गूगल कर सकते हो राइट क्लिक करके। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने इसको सर्च किया तो आपको पहले नंबर पर ही ये लिंक यहां पर देखने को मिल जाता है, बट इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप मेक श्योर इसको जो है डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको साइन अप करना है, लॉग इन करना है एंड नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन को देख पाएंगे। जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूं, आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड जो होगा, फाइल का फॉर्मेट होगा RBZ फाइल। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आप फिर से जाएंगे विंडो के ऊपर एंड यहीं पर आपको एक्सटेंशन मैनेजर करके ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर इंस्टॉल एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कहीं जहां पर भी आपने इस फाइल को रखा होगा उस फाइल के फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड वहां पर से जाकर आप सिंपली यहां पर इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देंगे। सो यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं फाइल दिखता कैसा है। बेसिकली ये देख सकते हो गाइस कितने सारे मेरे पास प्लगइन्स हैं। सो इन प्लगइन्स को आप वन बाय वन करके डाउनलोड करेंगे एंड इसको इंस्टॉल करेंगे। सो यस, यहां पर आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए कि एक प्लगइन है कर्वी लॉफ्ट, इसको मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको वो इंस्टॉल हो जाएगा।
सो गाइज एक तो ये तरीका हो गया इंस्टॉल करने का, बट यहाँ पर जैसे ही आप एक्सटेंशन स्टोर को डाउनलोड कर लेते हो, सेम इसी प्रोसीजर से आप जो है इसको भी यानी कि विंडो के ऊपर जाओगे, एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर जाकर इसके आरबीजेड फाइल को डालने के बाद कुछ ये वाला प्लगइन्स आपके पास देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ ये वाला प्लगइन्स। तो इसके ऊपर यहाँ पर आपको रेड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद साइन अप कर लेंगे। सो साइन अप करने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करना है जो भी आप प्लगइन्स को चाहते हैं। तो इस यहाँ पर मैं पुश पुल टूल डाल देता हूँ, पुश पुल टूल। यस, यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे और आपके पास जो भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। डायरेक्टली आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर चूज ऑटो इंस्टॉल फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है, ओके करेंगे और ये आपका टूल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो ये वाला झंझट आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है कि आपको यहाँ पर बार बार जाना है, लॉगिन करोगे, डाउनलोड करोगे, फिर वहां पर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप डायरेक्टली कर पाएंगे। बट गाइस एक और पॉइंट आपको मैं बताऊं, कुछ यहाँ पर अगर आप टूल को डाउनलोड करते हो जैसे कि ज्वाइंट पुश पुल टूल, आपको स्पेशली मैं बता रहा हूँ काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही आप इसको सर्च तो करते हो यहाँ पर जैसे कि ज्वाइंट, यहाँ पर मैंने किया पुश और पुल, तो यस यहाँ पर इसको आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक एरर आएगा जिसमें लिखा होगा कि इसकी एक लाइब्रेरी है जो कि मिसिंग है। सो उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करने का तरीका क्या है, वैसे तो वो वहीं से आपको रेफर कर देता है, बट अगर वो नहीं कर रहा है सो आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिव फ्रीडो 6, सो ये मैंने लिखा और सबसे पहले नंबर पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये एक ओपन हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सटेंशन मैनेजर के ऊपर जाकर आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दोगे। सो होपफुली आपका सारा डाउनलोड यहाँ पर कैसे करेंगे, कैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, सारा डाउट आपका मैंने क्लियर करवा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं। सो यस आज की वीडियो में इतना काफी, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।